हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं ना आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि हमारा बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। इसका रियलिटी जो है कितना तक सच है मुझे पता नहीं, लेकिन ओरल ट्रेडिशन होता है ना गाइस, हम लोग का जो ट्राइब है सिविलाइज नहीं था वो समय में, जो कि अपना जो कहानी उसको लिख के रख सके, लेकिन अपना मुख से अपना बेटा को ऐसे धीरे धीरे कर एक दूसरे को बताते जाता था, तो उसको बोलते हैं ओरल। उसी हिसाब में जब मैं अपना दादी से मिलने गया था, क्योंकि वो काफी बीमार रहते हैं आजकल, तो उनसे मिलने गया था, तो वो जो मुझे ये स्टोरी बताए हैं तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और वो समय में भी ऐसा होता था कि कई बार सोचा है, लेकिन ये जो है गाइस फिक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका जो मतलब रियलिटी नहीं हो सकता ऐसा लगता है मुझे, जो अपना बेटा बेटी लोग को ऐसे मजा लगने के लिए सुनाता था होगा वो समय में। सो गाइस, हम लोग कहानी का स्टार्ट शुरू करते हैं। तनी और तारे का कहानी है। तनी इंसान जो हम लोग है, तो तनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर, वो इंसान है। इसके बाद में तारे आता है। सो गाइस, तारे को माना जाता है कि भूत बन गया वो। अभी पहले इंसान और भूत जो है दोस्त करता था ऐसे मानता है, अभी वो दोनों जो है ऐसे हट गया। तो गाइस, अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ तनी और तारे का एक छोटा सा स्टोरी। चलिए इस कहानी का स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वो समय में ना बहुत ही ज्यादा खाने पीने का कमी हो गया था, तो उसके वजह से तनी का जो घर बार है वो लोग थोड़ा सुखला होने लग गया था, पतला होने लग गया था। तनी जो है एक दिन क्या करता है, एक प्लानिंग बनाते हैं। तो वो जो मछली का पेट को बाम्बू में डाल के उसको सरने देके एक दिन क्या करते हैं कि बंदर का जो रास्ता होता है ना गाइस, बंदर वो लोग भी मतलब वो समय पेट कहती करता था ऐसे मानते हैं, बंदर का रास्ता रिगलम जाने वाला काम करके बंदर लोग भी अपना जो काम साम है करके वो रास्ता से हम लोग का आता है ना, जैसे कोई कोई ऑफिस जाके वही रास्ता से वापस आ जाता है। बंदर लोग का भी एक ग्रुप जो है हर समय से वो रास्ता से वापस आ जाता था। तो तनी क्या करते है, उनका बहुत दिमाग जो है चलता है। उस समय में माना जाता है कि तनी का पास में जो एक पावर होते है वो पावर जो है बहुत उसका दिमाग को चलने देते है, लाइक आइंस्टाइन। ऐसे करने के बाद में तनी जो दिमाग लगाता है, जहां से बंदर लोग जाता है वो रास्ता तनी जो है मछली का पेट होता है उसको बम्बू में रखते है, तो वो मोकी बन जाते है। मोकी मतलब ऐसे गन मारने वाला इसका पेट होगा, तो उसको लगा के बंदर का रास्ता में सो जाते है। तो बंदर लोग सोचता है तनी जो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बोलते है अरे तनी मर गया चलो चेक करो चेक। तो बंदर लोग का प्लानिंग होता है तनी मरने के बाद में उसको काया जाएगा। तनी जो है बहुत चालाक था उस समय में, वो हिला नहीं ऐसे मतलब ऐसे मर गया ऐसे लेते रहते उन लोग का रास्ता में। लेकिन कोई बंदर वहां का जो सबसे टैलेंट वाला बंदर पूछता है कि तनी को सूंघ के देखो मरा है कि नहीं मरा है। तो बंदर लोग सूंघने के बाद पता चलता है कि तनी तो एक तो गंदा वाला वो पेट लगा के रखा हुआ है यहाँ पर, जो कि मोकी बोलते है, मोकी को याद करिए। तो मोकी लगाने के बाद में तनी तो मजा से वहां में लेत रहे, और उसका जो ऊपर में जो एक लकड़ी रखा हुआ है तनी जो है बहुत चालाक है, वो बात में आप लोगों को मैं बताऊंगा क्योंकि क्यों लकड़ी को रखा गया था तनी जो है ऊपर में। इसके बाद में बंदर लोग तो समझ गया हाँ तनी सच्ची में मर गया, लेकिन बंदर लोग भी बहुत चालाक था और एक बार तो इसको टेस्ट करना है तनी को। बंदर लोग भी बहुत चालाक था, वो लोग इतना बड़ा पहाड़ ना पहाड़ में लेके जाते है, वहां पर एक ब्रिज होता है, ब्रिज जैसा बंदर का होता है, तो उस पर तनी को ले जा रहा होता है बंदर लोग। उसके बाद बंदर लोग बोलता है अब तनी ने दमोगद गलोला, मतलब तनी को ये नीचे कैसे फेंकेगा 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 ऐसे बोल के जाता है, लेकिन तनी मतलब नहीं सुन के सुनाई जैसे चुपचाप मतलब जाता है। और बंदर लोग और एक बार ट्राई करते हैं अब तनी ने दमोगद गलोला, वो मतलब कंफर्म कर रहे कि तनी को वहां से फेंकेगा फेंकेगा फेंकेगा, इतना बड़ा का है वहां से तो जिंदा बचना ही मुश्किल होता है। तनी जो है बहुत चालाक होते है ना, मतलब चुपचाप सुन के बंदर लोग उसको लेके जाते है, लेकिन तनी को नहीं फेंकते। उसके बाद में बंदर लोग उसको काने के लिए कोई ये लेने गया वो लेने गया, तो तनी तो चुपचाप ले गया, वो लोग का स्पॉट में आ गया जो ऊपर में हम पहले लाठी का जिक्र किया था ना गाइस, वो लाठी को उतारे एक एक बंदर को मारना स्टार्ट किया, बोल बंदर को मारा है। वो मारने के बाद में अपना घर में लेके गया, घर में अपना जो घर बार है बीवी बच्चा उनको खिलाया, उसका भैल जो है बहुत ओके हो गया। तो तारे आते हैं, तारे सोचते रहते अरे तनी ऐसा क्या करता है कि अपना जो फैमिली उसको हेल्दी रखते हैं। तो हर समय तारे जो इसको पूछते रहते हैं कि अरे तनी तुम क्या करते हैं कि तेरा जो बीवी बच्चा है जो फैमिली है इतना हेल्दी है, और मेरा देखो इतना पतला सुखला मुखला हो गया, तनी ऐसा क्या बात है प्लीज बताओ ना। बोलकर तारे जो बहुत हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं तनी को, तनी प्लीज मदद कर दो ना मदद कर दो ना मदद कर दो ना। गाइस यहाँ पर तनी जो है नहीं बताना चाहता था, लेकिन क्या करेगा, उसका बीवी बच्चा को देख के बहुत ही माया लगता है उनको भी। तनी जो है तारे को वो सीक्रेट बता देते हैं। तो पहले तो है पेट का मछली को सरा देना, इसके बाद में बंदर लोग जहां जाते रास्ता वहां पर लेते ना, और
ऊपर में लकड़ी रखना। ओ गाइस क्या करते हैं, तारा भी वही पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि तनी जो पॉलिसी करता है तारा भी वो पॉलिसी मतलब करने का कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होते हैं। सबर करो, तारा भी वैसे ही जैसा तानी जैसे किया वैसे जैसे किया है, बंदर लोग जहाँ रास्ता जाते हैं वहां पर पूरा सरा वाला पेट, मछली का पेट, मोकी बोलते हैं ना मोकी, पहले मैंने बोला था मोकी, अपना शरीर में लगा के बढ़िया से सो गया, सोने लेट गया। इसके बाद में बंदर लोग आते हैं, बंदर लोग चेक करते हैं, तारा मर गया, तारा मर गया, तारा मर गया, क्या 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 हो गया ना, बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं ना तारे को। इसके बाद में अरे तो चुपचाप लेते रहो, तानी उसको बता चुका था ऐसे कुछ भी नहीं करने है। वहां पर तारे जो है चुपचाप लेते रहे और बंदर लोग उसको चेक कर रहे हैं, सुन के भी चेक कर रहे हैं, तो तारे का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो बंदर लोग सच्ची में सोच लिया था कि तारे जो है अभी मर गया, लेकिन फाइनल टेस्ट बाकी है ना, दमो गदी लोग गलोला। तो गाइस एक ब्रिज से बड़ा पहाड़ वाला ना कच्ची का ऊपर वाला एक ब्रिज है, दमो गदी बोलना ना वो वाला, वहां से उसको फेंकना है। तो तारे भी चुपचाप लेता होता है, तारे तो लग रहा होता है कि उसको पेकेगा, उसको मतलब डर तो लग रहा होता है आगे क्या होगा। तारा क्या करता है, तारा को बंदर लोग फिर से टेस्ट करते हैं, आखिरी टेस्ट करना बाकी है। अब तारा को गमुगदी लोग गलोला गलोला, अब तारा ने दमुगदी गलोला, मतलब तारा को भी ये कैसे पेकेगा 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 बोल के वो लोग बोलते है। उसमें तारे जो एक गलती कर देते हैं, अवगद अचम तपा, मतलब बेटा लोग गलती तो नहीं कर रहे ना बोल के पूछ लेते हैं, मतलब वहां पिकेगा तो गलती हो जाएगा बोल के पूछ लेते हैं। तो बंदर लोग को पता चल गया हाँ सच्ची में उसको अरे जो उसको मारने वाला है बोल के, तो डायरेक्ट वहां से खाई से फेंक दिया तारे को। गाइस क्या हो जाता है कि तारा जो है बहुत ही जख्मी हालत में होता है, जैसे तैसे अपना बस्ती पहुंचाए तानी का साथ, तानी का जगह में पहुंचता है तो तानी पूछता है तारा क्या हो गया, ऐसे कैसे तेरा पूरा बदन जो है यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से खून पूरा बदन पटा हुआ है, क्या हो गया बोले तो। तारे जो बोलते है कि उन्होंने एक गच्ची है, वो गच्ची में बहुत कटा कटा होते हैं, गच्ची में कुछ छोटा छोटा गुटी भी निकलते हैं जो कि जाल होते हैं, वो जाल का वजह से मछली पकड़ने में काफी यूज करते हैं वो चीज को ओंजोर को। ओंजोर में उतने उठते समय वहां से गिर गया, ऐसे झूठ बोलते हैं तारे जो है। तो गाइस ये था एक छोटा सा किस्सा जो कि हम लोग को बचपन में सुनाता रहता था। तो गाइस इसका बहुत सारा तारे और तानी का कहानी है, अगर ये वीडियो को आप लोग थोड़ा सा प्यार देते हैं तो मैं फिर पार्ट 2 लेके आऊंगा, तारे और कहानी बहुत सारे और तानी और बंदर का भी कहानी, ये सब जो है मेरा दादी ने मुझे बताया था। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तारे और तानी का कहानी कैसा लगा थोड़ा सा कॉमेडी वाला था। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।